हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस चैनल हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जैसे जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि हम लोग आपके लिए जो एसएससी का जो हमारा इस चैनल का एग्जाम है 2019 का जो इस चैनल का एग्जाम है, मार्कर नहीं चल रहा है, दो मिनट, जो हमारा 2019 का इस चैनल का एग्जाम है उसके लिए हम रिटर्न के लिए आपके लिए भी तैयारी कराना स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो से हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि आपके लिए क्या प्रश्न रहेंगे और किस तरीके से हमें तैयारी को अपना रूप देना है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी तैयारी रहेगी तो दोस्तों उसमें 50 नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी, 50 नंबर की आपकी जीएस, जीके और करंट अफेयर रहेगी और 100 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी। तो ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के इंग्लिश के रहेंगे। तो आप सभी को इस सारी तैयारी कराई जाएगी, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश इन सबकी क्लासेस जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपका 50 में से 50 क्वेश्चन करा पाना संभव नहीं है, बट आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपका लगभग 75% प्लस जो सिलेबस है वो आपका इन आने वाले 1 से 2 मंथ के बीच में कंप्लीट हो जाए। ऐसी पूरी हमारी कोशिश रहेगी। इस चैनल हेल्प पीपी आपके लिए रिटर्न के लिए भी तैयारी करेगा। एक बार मैं आपको बता दूं कि जो हमारी टीम है उसमें 3 बार आपका एसएससी का इस चैनल क्लियर करा हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिएगा। और जो हमारे रीजनिंग के सर हैं तो बैंक और एसएससी सीजीएल उन्होंने 2 बार उन्होंने क्लियर कर दिया है। और इंग्लिश भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड आपको इंग्लिश मिलेगी। ज्यादा कोई आपको इंग्लिश नहीं दी जाएगी कि आपको पीएचडी इंग्लिश में करनी है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। किसी भी सब्जेक्ट की आपको पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्पेशल टॉपिक को, स्पेशल पॉइंटों को पढ़ाया जाएगा, ना ज्यादा ना कम, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हमें क्लासेस लेके आएंगे। कोई ज्यादा नहीं है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, पहले ही बता दूं, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं करना है, हमें सिर्फ उतना ज्ञान रखना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझते होंगे। अगर आपने 2 से 3 बार एसएससी के एग्जाम दे दिए हों या फिर कोई भी एग्जाम दे दिया होगा, आप समझ गए होंगे कि हम लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन वही आएंगे जो बार बार आते हैं और जो नॉर्मल आपके जो एनवायरमेंट में चल रहे हैं वही क्वेश्चन आएंगे, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव और पीएचडी नहीं करनी। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारे चैप्टर रहेगा वो रहेगा, हम भारत का भूगोल से स्टार्ट करते हैं। और भूगोल को समझने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको अगर मार्क्स गेन करने हैं तो आप सभी प्लीज, इस टाइप का एक मैप आपको मिल जाएगा अपने स्टेशनरी की दुकानों में, आसपास में अपना मैप ले लीजिएगा। और जो भारत की जो पूरी रूपरेखा है, जो भारत की जो पूरी लाइनिंग है, बाउंड्रीज है, उसको आप प्लीज एक बार आप सभी लोग क्लियर से समझ लीजिएगा कि भारत कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, भारत का ऊपर का राज्य कौन सा है, भारत का नीचे का राज्य कौन सा है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, मध्य में क्या है, राज्यों की क्या स्थिति है, जो हमारी सीमाएं हैं वो किससे क्या मिलती है। अगर आपने भूगोल में, ज्योग्राफी में, और एक बार ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए रहेगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि इसमें जो हम टर्म्स बोलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में जाएगी। तो ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बाउंड्रीज में तो आप इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा, साउथ टू नॉर्थ और आपका नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा कि आपकी बाउंड्रीज किन किन स्टेट, किन किन कंट्रीज के साथ कौन सी बाउंड्रीज मिल रही है। और जब आपने इस मैप को समझ लिया तो आप समझिए भारत के भूगोल का आपने 50% कवर कर लिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने मैप को समझ लिया तो आपके 50% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए बार बार आपका ये क्वेश्चन है टीसीएस का सबसे ज्यादा पेट क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहा है, तो ये रहा है कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ मिलती है। लार्जेस्ट बाउंड्री अगर पूछी जाती है तो बार बार ये क्वेश्चन आता है कि किस देश के साथ, किस कंट्री के साथ सबसे ज्यादा आपकी सीमा मिलती है, तो वो है आपका बांग्लादेश। तो आप इसे समझेंगे, मैप को अगर आपने समझ लिया तो आप यहां पर समझ जाएंगे कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है। बार बार क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि म्यांमार के साथ जो स्टेट्स मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस चीज को आप देखेंगे। तो ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये कब समझेंगे, जब आप मैप को समझेंगे। आशा करूंगा कि आप लोग हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस तक आप लोग अपने इस इंडिया के मैप को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। देखिए आपके पास अब टाइम ज्यादा नहीं है, मई 5 तारीख से जहां तक मुझे याद है आपके एसएससी के इस चैनल के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी चल रहा है 15 मार्च, 15 मार्च से आपके पास मई तक, अभी अप्रैल का महीना है फिर मार्च का, तो लगभग 2 महीने से कम आपका समय है। तो हम तब तक आपका
जीएस का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जो रहेगा ये हमारा आपसे वादा है, स्टेनो हेल्प भी आपसे वादा करता है। बस बसरते आप लोग पूरी शिद्दत के साथ इसके साथ मोहब्बत करिएगा, भूगोल को समझिएगा, जीएस के साथ बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप सबका क्लियर जरूर होगा। इस बार का एसएससी स्टेनो का एग्जाम आप सभी के लिए काफी अच्छा रहेगा, इस बात का हम भी वादा करते हैं और आप भी हमसे वादा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले होमवर्क जैसे मैंने आपको बताया, आप सभी लोग अपने मैप एक ले लीजिएगा, मैप को पूरा समझ लीजिएगा, स्टेट वाइज उनकी राजधानियां उनकी स्थिति क्या है सब बिल्कुल क्लियर करके आइएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी का, मिलते हैं दूसरी क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।